सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रो एक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया आप सभी के लिए प्रो एक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज से, जो कि निकल के सामने आ रही है अमेज़न की तरफ से। और अमेज़न की तरफ से हमें एक रोंगली ऑर्डर देखने को मिल रहा है, यानी कि मंगाया कुछ और डिलीवरी हमें कुछ और देखने को मिल रही है, ऐसा हमें देखने को मिला है अमेज़न के साथ में। और कई बार ये हमें फ्रॉड और चीटिंग का केस देखने को मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि जब हम स्मार्टफोन मंगाते हैं तो हमें शॉप देखने को मिलती है या फिर कुछ और देखने को मिलता है, लेकिन अब के बार बिल्कुल ही उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें पुणे की तरफ से ये केस देखने को मिल रहा है। पुणे के अंदर एक आदमी ने बॉडी लोशन मंगाया था अमेज़न से, जिसकी कीमत करीब 300 रुपए थी। और जब डिलीवरी उसने रिसीव की तो वहां पर बॉस की तरफ से साउंड स्पोर्ट ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स देखने को मिले, जिसकी कीमत करीब 19,000 रुपए है। और उसके बाद जब उस आदमी ने इसे रिप्लेस करने के लिए कहा कंपनी ऑफिशियल्स को, तो कंपनी ने बताया, यानी कि अमेज़न ने कहा कि ये ऑर्डर नॉन रिफंडेबल था और नॉन रिटर्नेबल था, तो इसी वजह से आपको यही प्रोडक्ट अब रखना होगा। और पुणे के इसी आदमी गौतम की तरफ से हमें ट्विटर पर भी एक ट्वीट देखने को मिल रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही शाओमी की तरफ से। और शाओमी की तरफ से उनके स्मार्टफोन मी 10 के अंदर हमें एंड्रॉइड 11 की बीटा अपडेट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा हमें वन प्लस, ओप्पो और पिक्सल के कई सारे स्मार्टफोन्स के अंदर यही अपडेट देखने को मिल रही है एंड्रॉइड 11 की। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है शाओमी की तरफ से। और शाओमी की तरफ से हमें दो बजट स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें देखने को मिलेंगे Redmi 10X से भी कम कीमत पर। हाल ही में Redmi 10X को लॉन्च किया गया है चाइना के अंदर। और अगर हम बात करते हैं इसी Redmi 10X की कीमत की, तो ये 999 युआन, करीब 10,700 इंडियन रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और इससे भी कम कीमत पर हमें देखने को मिलेंगे दो नए बजट स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से। और ये मोस्ट प्रोबेबली हमें Redmi 9 और Redmi 9A देखने को मिल सकते हैं। और रिपोर्ट्स की अगर हम मानते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि इनके अंदर हमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाली गेमिंग सीरीज, यानी कि मीडियाटेक हीलियो जी सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है वन प्लस जी की कुछ लीक्स को लेकर के। और इन्हीं से हमें पता लगता है कि वन प्लस जी के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। पहले कुछ रूमर्स थी जिससे हमें पता लग रहा था कि वन प्लस जी के अंदर हमें देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा, लेकिन अब रिपोर्ट्स जो आ रही है उनसे हमें यही पता लगता है कि क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही में ये एक बजट 5G स्मार्टफोन होने वाला है वन प्लस की तरफ से, जिसकी कीमत हमें करीब 25,000 इंडियन रुपीज देखने को मिल सकती है। और ये जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। साथ ही में मोस्ट प्रोबेबली ये हमें 10th of July को देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है पोको की तरफ से। और पोको की तरफ से हमें एक महीने के अंदर नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। साथ ही में पोको के जनरल मैनेजर सी मनमोहन ने यह बताया है कि 20 से 25 दिनों के अंदर हमें नया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और ये हमें पोको F2 देखने को मिल सकता है, जो कि हाल ही में यूरोप के अंदर लॉन्च हुआ है। इसके अलावा पोको M2, जो कि वाईफाई अलायंस पर सपोर्ट किया गया है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है मोटरोला की तरफ से। और मोटरोला की तरफ से हमें नया स्मार्टफोन लॉन्च देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, जो कि है मोटरोला मोटो वन फ्यूजन प्लस। और ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में। साथ ही में इसके अंदर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का, और 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इसी के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसकी इंडियन प्राइसिंग की, तो अब के बाद हमें मोटरोला की तरफ से ठीक ठाक प्राइस देखने को मिल रही है इसी मोटरोला मोटो वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन की, जो कि हमें 17,000 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल रही है 6+128GB के स्टोरेज वेरियंट की। और इसी स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट के थ्रू लॉन्च किया गया है, और इसकी हमें पहली सेल देखने को मिलेगी 12 PM जून 24th को। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है नोकिया की तरफ से। और नोकिया की तरफ से हमें उनके पुराने स्मार्टफोन नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक का रीलॉन्च देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, और ये लॉन्च हो चुका है। और इसके अंदर हमें FM सपोर्ट, साथ ही में 3.5 mm जैक और 1200 mAh की बैटरी के साथ में देखने को मिल रहा है।
और साथ ही में स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं और ये MP3 सपोर्ट करता है। इसके अलावा यही स्मार्टफोन हमें दो कलर वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा और ये ऑफलाइन अवेलेबल होने वाला है 22nd of June से। साथ ही में जो ऑनलाइन सेल होने वाली है Amazon के थ्रू वो हमें 23rd of June को देखने को मिलेगी। और साथ ही में जो प्री बुकिंग है वो नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज इसे शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हूँ अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है JBL की तरफ से। और JBL ने अब के बार गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इसी के साथ में JBL ने इंडिया के अंदर अपने गेमिंग हेडफोन लॉन्च किए हैं, जो कि हमें क्वांटम सीरीज के देखने को मिल रहे हैं और ये हमें 2499 या फिर कहा जाए तो 2500 रुपए की शुरुआती कीमत से देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अफोर्डेबल है, यानी कि गेमर्स के ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और इसके अंदर हमें 7 हेडफोन्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें क्वांटम 100, 200, 300, 400, 600 और साथ ही में क्वांटम 1 देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में क्वांटम 100 की कीमत हमें 2500 रुपए देखने को मिल रही है और ये कीमत बढ़कर के क्वांटम 1 तक हमें 23,000 रुपए तक देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है बायजू की तरफ से। और बायजू महाराष्ट्र पुलिस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सभी के चिल्ड्रंस को फ्री में एजुकेशन दे रहा है, यानी कि जो भी प्रीमियम कंटेंट है बायजू का उसको फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। और ऐसा करने से करीब 1,00,000 महाराष्ट्र पुलिस के चिल्ड्रंस इसी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है रियलमी X3 के ऑफिशियल टीज को लेकर के। और रियलमी X3 को खुद माधव सेठ ने ऑफिशियली टीज किया है और पोस्ट किया है एक वीडियो, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। Smartphone, data leap. और इसी Realme X3 के साथ में हमें Realme X3 Super Zoom भी देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। हालांकि Realme X3 की कोई भी स्पेसिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करते हैं Realme X3 Super Zoom की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 855 Plus SoC प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही में टोटल 6 कैमरे हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्रंट कैमरे हमें 2 देखने को मिलेंगे, 32 मेगापिक्सल और साथ ही में एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें 64 मेगापिक्सल के साथ में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा पीछे की तरफ। और अगर हम बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, तो इसके अंदर हमें 120Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। साथ ही में हमें 6.6 इंचेस की डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं।